कि गंगा नदी का जन्म कैसे हुआ, इससे जुड़ा इतिहास क्या है, किनके प्रयास के कारण गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो चलिए बताते हैं इस रहस्य को अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। लोग गंगा को गंगा माता या गंगा माँ आदि नामों से पुकारते हैं। हमारे भारत वर्ष में गंगा के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। लोग गंगा को भगवान की तरह पूजनीय मानते हैं। लोग गंगा के जल को अपने घर में रखते हैं और हर पवित्र कार्य में गंगा जल का प्रयोग करते हैं। गंगा का पानी इतना पवित्र है कि ये सालों तक रखे रहने के बावजूद सड़ता नहीं है। गंगा को स्वर्ग की नदी माना जाता है। लोग गंगा में नहाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। भारत में लोगों की ये धारणा है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान पवित्र हो जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और उत्तर भारत गंगा के क्षेत्र में ही विकसित हुआ है। गंगा नदी का इतिहास बहुत ही पुराना है। गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी है, जिसमें से एक पौराणिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। बता रहे हैं आपको कि कैसे हुआ था गंगा का जन्म। दोस्तों, राजा बलि बहुत ही पराक्रमी थे। ये माना जाता है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे और एक बार उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। राजा बलि की बड़ी सेना और पराक्रम को देखकर इंद्र देवता बड़े विचलित हुए। उनके मन में डर था कहीं राजा बलि स्वर्ग का राज्य न हथिया लें। यही सोचकर इंद्र देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। तब भगवान विष्णु ने एक बामन ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस समय राजा बलि अपने राज्य में राज्य की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु बामन ब्राह्मण के वेश में बलि के पास पहुंचे और बलि से दान मांगा। यद्यपि राजा बलि जानते थे कि साक्षात भगवान विष्णु बामन के भेष में मेरे द्वार पर आए हैं, लेकिन बलि अपने द्वार से किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देते थे और वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। तब बामन ब्राह्मण ने राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि तैयार हो गए। जब बामन भगवान ने अपना पहला कदम उठाकर जमीन पर रखा तो उनका पैर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरी धरती ही नाप ली। दूसरे कदम में भगवान विष्णु रूपी बामन ब्राह्मण ने पूरा आकाश नाप लिया। अब बामन ब्राह्मण ने राजा बलि से पूछा, वह अपना तीसरा कदम कहाँ रखें? तब राजा बलि ने अपना सर नीचे करके कहा कि भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही बामन ब्राह्मण ने राजा बलि के सर पे पैर रखा, बलि जमीन के अंदर पाताल लोक में समा गए, जहां असुरों का शासन था। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु आकाश नापने के लिए पैर उठाया, उस समय साक्षात ब्रह्मा जी ने आकाश में उनके पैर धुलाए और विशाल पांव धोकर सारा जल एक कमंडल में एकत्रित कर लिया। यही जल को गंगा का नाम दिया गया और इसलिए गंगा को ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा गया है। अब आपको बतला रहे हैं कि गंगा कैसे आई धरती पर। दोस्तों, रघुकुल में बहुत ही प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है। राजा सागर उनमें से एक थे। उस समय राजा महाराजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजर जाता था वो राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा का हो जाता था। और किसी ने बीच में वो घोड़ा पकड़ लिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था। ऐसे ही एक बार राजा सागर ने विशाल अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। राजा इंद्र को भय था कहीं अश्वमेध यज्ञ का स्वर्ग में आ गया तो स्वर्ग पर राजा सागर का कब्जा हो जाएगा और राजा सागर से लड़ पाना कतई संभव नहीं है। यही सोचकर इंद्र भेष बदल कर गए और घोड़ा पकड़कर चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय ध्यान मुद्रा में थे। जब राजा सागर को पता चला कि उनका अश्वमेध
घोड़ा किसी ने रोक लिया है तो उन्होंने गुस्से में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाओ पता करो कि घोड़ा किसने रोका है। काफी समय ढूंढने के बाद राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देख लिया और वो युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। आश्रम में हलचल सुनकर कपिल मुनि की आंख खुली तो राजा सागर के पुत्र उन पर घोड़ा रोकने का झूठा इल्जाम लगाने लगे। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अग्नि से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर डाला। अब वो 60,000 पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। कई पीढ़ियों के बाद रघुकुल में ही राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाएंगे और यह तभी संभव था जब पूर्वजों की अस्थियों को गंगा के पानी में शुद्ध किया जाए यानी कि विसर्जित किया जाए। राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु की घनघोर तपस्या की। कई सालों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने राजा भागीरथ को दर्शन दिए। तब भागीरथ ने स्वर्ग में रहने वाली गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। गंगा बड़े ही उग्र स्वभाव की थी। वो बड़ी मुश्किल से धरती पर जाने के लिए राजी हुई, लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि अगर गंगा अपने वेग से स्वर्ग से धरती पर उतर आए तो धरती पाताल में समा जाती और चारों तरफ तूफान आ जाता। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की वह गंगा को अपनी जटा में बांधकर उसे अपने बस में करें, अन्यथा धरती का विनाश हो जाएगा। फिर जब गंगा अपने प्रचंड वेग से धरती पर उतरी तो भयंकर गर्जना हुआ, मेघ फट गए यानी कि बादल फट गए, चारों तरफ तूफान जैसा छा गया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में बांध लिया और अपनी जटा से एक पतली धार के रूप में गंगा को पृथ्वी पर जाने दिया। इस तरह गंगा धरती पर अवतरित हुई और वही गंगा की धारा भागीरथी के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। चलिए अब आपको बतलाते हैं गंगा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, शायद ये बड़ी दुख की बात है कि गंगा दुनिया की पांचवी सबसे दूषित नदी है। गंगा नदी की लंबाई करीब 1,557 मील यानी कि 2,506 किलोमीटर है। अन्य नदियों की तुलना में गंगा नदी में ऑक्सीजन का लेवल 25% ज़्यादा है। गंगा नदी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष शक्ति होती है। गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है यानी कि गंगा नदी के पानी में कभी भी कीटाणु नहीं उत्पन्न होते। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। गंगा का जल शुद्ध माना जाता है। दिल्ली के रिसर्च सेंटर के एक शोध में पाया गया कि गंगा के पानी में मच्छर पैदा नहीं हो सकते। एक ब्रिटिश प्रयोगशाला में पाया गया कि अगर गंगा के पानी में बैक्टीरिया मिला दिए जाएं, तो वो सारे बैक्टीरिया केवल 3 घंटे के अंदर मर जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारी चैनल पर दी गई जानकारी और दिखाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए।